नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं मारेरा विधानसभा सीट पर। पहले ये सीट निधौली कला सीट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद नई सीट बनी जिसका नाम मारेरा विधानसभा सीट है। निधौली कला से पहले एक बार खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़कर जीत भी चुके हैं, लेकिन अब मारेरा का पहला जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा किया। सबसे पहले जो मेरे सहयोगी हैं राकेश जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। राकेश जी, अगर बात करें यहाँ की समस्याओं की या यहाँ की इतिहास की, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है यहाँ का? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से एटा जनपद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ है। पहले और भी सरकारें रहीं, लेकिन विकास के नाम पर अभी भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। किसी भी पार्टी ने यहाँ का वास्तविक विकास नहीं किया। यहाँ की जनता सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रही है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ किसी का भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। अगर मैं विकास की बात करूँ, क्या उस स्थान का विकास पर्यटन की दृष्टि से और इस क्षेत्र का विकास कितना किया आपकी सरकार? पूरा विकास जो है मारेरा का समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी तरह किया है और रह गया है। अभी यहाँ पे करीब करीब सारा विकास हो चुका है। समाजवादी पेंशन के अंतर्गत सैकड़ों, करीब 700 तो यहाँ कस्बे के अंदर पेंशन बन चुकी हैं, जिससे गरीबों को 500 रुपए महीना मिल रहे हैं। एक दो सड़क हुई है, बाकी तो सारी ऐसी पड़ी है। तो कह रहे हैं सारी सड़कें नहीं, इधर चले जाओ, आपका सक्का साठ चले जाओ तो वो सारी खुली पड़ी है। आप ज्यादा नहीं दूर जाके देखो, आप हैदरी चौक से और हनुमान चौक तक आप सड़क देख सकते हो, उसका क्या हाल है, कैसी सड़क है। आप ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से आधा किलोमीटर है। आए दिन तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई भी सड़क पूरी नहीं है। मारेरा का क्या, पूरे उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं है। यहाँ तो एक विकास है कि डकैती, बलात्कार, ये काम होते हैं। सरकार में विकास का कोई काम नहीं है। प्रवेश अवेरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ विश्व स्तरीय दरगाह है न, तो यहाँ यातायात की कोई ऐसी सुविधा है जहाँ हम लोग बहुत जल्दी पहुँच सकें? तो ये तमाम चीजें हैं, यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो पर्यटन स्थल का विकास होना चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। यातायात की सुविधा तो बहुत अच्छी है। मारेरा के अंदर से जो ट्रेन चलती है, मारेरा जो है मथुरा और कानपुर के बीच में है और जो बड़ी लाइन हो गई है और बहुत अच्छी, और उर्स के जमाने ट्रेनें रुकती है, उर्स के जमाने में सब ट्रेनें रुकती है यहाँ पे। मैं आपको ऐसे गाँव नाम बता देता हूँ जहाँ लाइट है ही नहीं। नगला पंचमपुर है, नगला उलायतपुर है, नगला समेरा है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां लाइट है ही नहीं, आज तक पहुंची नहीं है। लाइट पहुंची नहीं गांव में। कहां है आपके राजू भैया? बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन अब तो वो दिखाई भी नहीं दे रहे। विकास कहां कर रहे हैं वो? यहां आते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। अभी तिरंगा यात्रा थी, उसमें रहे थे और उन्होंने जो है सर्वाधिक 293 किलोमीटर मोटरसाइकिल से उन्होंने जो है तिरंगा यात्रा में शामिल रहे थे। क्षेत्र का जो विकास होना था हुआ है? क्या क्या विकास हुआ? सड़कें बन रही है, गलियां बन रही है, गलियों में बन रही है, और क्या देखते फिर और क्या कहें उनसे? सर तो खुश हो? खुश है। मारेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी सुविधा नहीं है। आपको जाओगे तो पहली बात तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो पर्ची बन जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है। दवाइयां पूरी मिलेगी नहीं और सारी मतलब जितने मरीज हैं उनके सारे दवाइयां सारी फ्री कर रखी है। दवाइयां होंगी जब तो फ्री मिलेंगी। डॉक्टर लोग ना आए तो साहब क्या करेंगे? अच्छा, साहब ही तो करेंगे जब डॉक्टर नहीं होंगे। नहीं तो साहब डॉक्टर को पब्लिक बुलाएंगे, कहे साहब से साहब शिकायत। हाँ तो साहब ही बुलाएंगे ना साहब, तो कहाँ तक बुलाएंगे? साहब लोग हार गए, चेयरमैन साहब हमारे जो हार गए जाते हैं। चुनाव क्यों लड़ रहे अगर साहब हार गए तो? चुनाव हमारे साहब ना लड़े, भी ना लड़े, पूछो जो मेरे साहब। दूसरे लड़ते ये साहब नहीं लड़ते। अच्छे और बुरे में विवेक के आधार पर अपना मत स्थिर करना है, वो स्थिति जनता की नहीं है। और जब तक नहीं रहेगी तब तक दबाव में, बहकावे में वोट पड़ते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे और हम लूटते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है सैफई का। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी ने अपना अंगोछा भी हिला दिया होता तो मारेरा विधानसभा का इतना विकास हो गया होता शायद आज हमें यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ी होती। लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो लोग बदनाम करते हैं सपा समाजवादी पार्टी को, वो कौन से लोग हाथ उठा के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया? यहाँ पर पानी की तुम्हें सुविधा, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती हैं। यह मारेरा की सबसे बड़ी मूलभूत जो समस्या है वो बेरोजगारी है और यहाँ के नेता वादे करके चले जाते हैं। किसी भी अभी इस गवर्नमेंट में भी जितनी नौकरियां निकली, मेरा मानना है सिर्फ दो लड़के मारेरा से गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, बाकी कोई लड़का नहीं लगा। सपा पार्टी के पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं और वो दरगाह के ऊपर वोट बैंक बनाते हैं यहाँ का। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, दरगाह का गेट नंबर 2
उसकी मैं कई बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, वहाँ इतनी गंदगी का अंबार रहता है, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर, सुअर, सब कुछ वहाँ डाला जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी सुअर, कोई भी नहीं वहाँ मरा पड़ा हुआ। आप खुद जाके इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं। न्याय इधर से हाथ उठवा लीजिए, कोई बता देगा। कितनी फैक्ट्री लगी, कितने लड़कों को रोजगार मिला? इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, इंडस्ट्री का पूरे प्रदेश में कहीं इंडस्ट्री नहीं लगी है, पूरा प्रदेश में इंडिया बेरोजगार है। ये तो मान ही लिया इन्होंने, तो अपने प्रदेश सरकार की नाकामी अपने आप पूरे इंडिया में नहीं लगी। ये तो नाकामी खुद मान रहा है, ये तो खुद मान रहा है, और सभी लोग बताई रहे हैं आपको, और हम भी कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज स्थापित हो गया है, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। यहाँ सिर्फ ठेकेदारी होती है और कुछ नहीं। 3 महीने वो सड़क बनती है और 3 महीने में वो उखड़ जाती है, फिर दूसरे ठेकेदार को मिलती है। करप्शन का खेल है कमीशन का, 100% करप्शन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बीजेपी के एमएलए साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, पूर्व एमएलए इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल रहे थे महाराज में, आपने क्या विकास किया महाराज क्षेत्र में, क्या विकास किया आपने, कौन सी सड़क बनवाई, कौन सा हैंडपंप लगवाया? कोई शिकायत नहीं है कि हर काम क्या सड़कों का मतलब आगे बनी है, काम तो बराबर हुआ है। अब कहने को सफाई दरगाह की बात है, सफाई की तो आप दरगाह पे देख लीजिए, सफाई है। एक सवाल आप पर आ रहा है कि जब आप विधायक रहे आपने कितना काम कराया, और आपके राजू भैया यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फायदा दिलवा रहे हैं? देखिए, पहले तो उनकी ये बात असत्य है कि मैं 5 वर्ष रहा, मेरी सरकार 1 वर्ष 8 महीने रही थी, उसमें मैंने मंडी परिषद से यहाँ पे 8 सड़कों का निर्माण कराया था। यहाँ पर 1991 में ऐसे कुछ गांव थे जहाँ सड़कें नहीं थी, मैंने मंडी समिति से उनका निर्माण कराया था, और 1.5-2 वर्ष में जो कुछ भी हो सकता था मैंने बहुत कुछ कराया था यहाँ पर। यहाँ पे आप लोकल देखेंगे तो यहाँ सट्टा चलता है, खुलेआम सट्टा चलता है। यहाँ बस्ती में चले जाइए, तमाम टावर के पीछे चले जाइए, खुलेआम सट्टा चल रहा है, बेरोजगार है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग सुरक्षित है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई सट्टा वट्टा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ के अंदर, झूठ बोलते हैं सब लोग। 14 घंटे लाइट की आप बात करो, इसका मतलब 10 घंटे से ज्यादा नहीं आती है, 24 घंटे में अगर 10 घंटे आ रही है तो ये कोई विकास, लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है? नहीं, लाइट की अच्छी व्यवस्था, और लाइट की अभी अच्छी व्यवस्था और ज्यादा अच्छी व्यवस्था होने जा रही है। अभी सड़कों का जिक्र चल रहा था, यहाँ पर निधौली कट से लेकर के, यानी जीटी रोड से लेकर के निधौली कला तक की सड़क बिल्कुल साफ हो गई है, बिल्कुल है ही नहीं वहाँ सड़क। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन भरोसा जनता को करना है कि वो किस पर अपनी मोहर लगाती है। फिलहाल किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, हमारे सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, मारहरा। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं एटा की जलेसर विधानसभा सीट पर। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद होंगे, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या जलेसर में जिस समाजवाद की बात या समाजवाद के विकास की बात समाजवादी पार्टी ने चुनावों से पहले की थी, वो कितना इस धरातल पर उतरा है, या फिर केवल समाजवाद की जगह परिवारवाद को ही फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। क्या सच में यहाँ पर समाजवाद की बयार बही है इस क्षेत्र में? सीएम अखिलेश जी के नेतृत्व में इस जलेसर विधानसभा में इतने कार्य हुए हैं, कोई भी रोड बगैर नया बना नहीं रह गया है, चाहे वो सादाबाद वाला रोड हो, हाथरस रोड हो, अबागढ़ रोड हो, निधौली वाला रोड हो, आगरा रोड हो। जनता जो कह रही है और हम स्वयं कह रहे हैं कि समाजवाद तो नहीं आ चुका है, परिवारवाद की तो नारे लग रहे हैं। 5 साल की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बड़े भाई से पूछिए क्या इन्होंने आज तक 5 साल की सरकार में जो इनका खुद का रोड है, जिनका ये गांव पड़ता है, क्या वो आज तक उसको बनवा पाए? अपना रोड नहीं बनवा पाए। देखिए, राम से कटहरिया मंत्री रहे और अभी इस्तीफा देना पड़ा, उसको काम ही करते ना, घूसते दलाड़ी थे, घुसती ना आई, प्रोफेसर बने थे, जो बताओ बिन्नी काम मंत्री ने करा। उत्तर प्रदेश में कितने सांसद दिए उत्तर प्रदेश ने, और 73% सांसद उन्होंने किया क्या है? सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि पानी नहीं है गांव में, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और फिर सड़क भी सही नहीं है, और खेलकूद के लिए कुछ भी नहीं है। जमीनों पर कब्जा तो हो रहा है सब, मंदिरों पर भी कब्जा हो रहा है। मंदिरों पर भी कब्जा कर लिया हो रहा है, बाबा पिट रहे हैं। ये कौन कर रहा है मंदिरों पर कब्जा? एक है होकर साहब, वो जलेसर के कर रहे हैं, ये मंदिर में देखो घुस के ये बोंडी कराई है, ये टूट रही है। यहाँ का मुख्य जो धंधा है, उद्योग है, वो गुगुरु घंटी का उद्योग है, और ये हमारा काफी वर्षों से परंपरागत रूप से चला आ रहा है, इसमें कोई भी हमें सुविधा आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। माननीय अखिलेश यादव जब पहली बार आए थे यहाँ पे इस चुनाव से पहले, तो वादा करके गए थे कम से कम 2 डिपो की व्यवस्था कराएंगे, डिपो की व्यवस्था तो हो नहीं पाई, जितनी बसें चलती थी रोडवेज की उसमें भी कटौती कर दी। अभी मैं आगरा से आ रहा हूँ, तो ये आगरा 3 महीना पहले सड़क बनी थी, और आज इस समय जब करीब 8-10 दिन पहले मैं गया था तो वहाँ जाम लगा हुआ था, और सड़क पूरी खुदी पड़ी हुई है, जो जैसे कि सड़क बनी ही नहीं है, क्योंकि TDZ में आता है 24 आवर्स बिजली रहनी चाहिए,
लेकिन बिजली 6 घंटे 4 घंटे वो भी ट्रिपिंग में मिलती है, 5 मिनट को आई गई 5। जलेसर क्षेत्र टीटीजेड के अंतर्गत आता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और यहाँ सारी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही हैं। मैं क्या बताऊं, जब से समाजवादी सरकार बनी है सबसे लूट डकैती और जमीनों पर कब्जा ये आम बात हो गई। रूटीन वर्क के काम हुए हैं, कोई भी ऐसा कार्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं गिना सकते हैं जो इनकी उपलब्धि जलेसर क्षेत्र की हो। चाहे आप यातायात के क्षेत्र में ले लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में एक्स वाई या किसी भी क्षेत्र में हो, जो काम समाजवादी पार्टी कर रही है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ पर और कोई रोड तो सही बनी नहीं है। जिले अड्डे के जितने भी रोड हैं सब भ्रष्ट हो रहे हैं और बनते हैं टूट जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब खेती का टाइम आता है तब बिजली कितनी चलती है? मात्र 3 घंटे मजदूर खेत में 250 रुपए लेके चल। पार्टियों के दावे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो विकास करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि उन्होंने जितना विकास किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन ये कौन सही है और कौन गलत इसका फैसला जनता ही करेगी। फिलहाल इस किस्सा का कुर्सी में इतना ही, हमारा आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, जलेसर। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं एटा की सदर विधानसभा सीट पर। तमाम तरह की चर्चा की जाएंगी। एटा को माना जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने इसको बसाया था, लेकिन क्या संग्राम सिंह ने जिस चीज के लिए संग्राम किया था, यानी कि जो विकास का एक सपना देखा था, वो आज एटा में कितना फलीभूत हुआ, हम जानने की कोशिश करेंगे। इनसे भी हम जानेंगे कि क्या वास्तव में एटा का जो समाजवाद की बात समाजवादी पार्टी सरकार ने कही थी, वो समाजवाद एटा में आया कि नहीं आया। आपने कौन से समाजवाद की बात की थी, क्या यही समाजवाद लाना था? सर, तमंचे बनाने का समाजवाद लाया गया है, ये बहुत गलत है। कहां पे बनती है तमंचे बताइए, सामने लाइए, सरकार के सामने आना भी चाहिए। जो चीज सरकार के सामने आई है, हमारे विधायक संगठन के लोगों ने उसको खत्म करा गया है। नहीं, एटा में कोई समाजवाद नहीं है। एटा में एक ही चीज का समाजवाद है कि चाहे जहां कब्जे कर लेते हैं, चाहे जहां आपराधिक घटनाएं होती हैं, जितनी आपराधिक घटनाएं होती हैं किसी ना किसी नेता के संरक्षण में होती हैं। और खास बात यह है कि कोई भी केस अगर हो जाता है तो उसको वर्कआउट नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई समस्या दूर नहीं हुई और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये समस्याएं बढ़ाती है। अगर ये ना हो तो कम से कम लोग सुकून से तब भी रह ले। यहाँ पर जब से समाजवादी पार्टी सरकार आई है तो यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं वो एटा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुंडियाई और उसका अत्याचार बढ़ रहा है। छोटी सी भी अगर इंजरी हो जाता है तो यहाँ डॉक्टर रेफर करता है आगरा के लिए। मोस्ट ऑफ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बैठते हैं लेकिन वो कोई इलाज के लिए यहाँ कुछ है नहीं। किसानों को उसका समुचित मुआवजा नहीं मिला और उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। एक पूंजीपति ने भी यहाँ से पलायन हुआ है, उसका नाम दीजिए, समाजवादी पार्टी के सामने भी लाइए। आप हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, आपके सामने भी लाइए। सबसे पहली बात तो ये कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं, भय के कारण रात में आपको 8 बजे 9 बजे के बाद कोई ट्रीटमेंट के लिए दरवाजा नहीं खोला। एटा जनपद में एक एक सड़कें 3-3 बार पैसे निकल गई। यहाँ जबरदस्ती एक्शन से राइफल रख के सपा के लोग पैसे फर्जी पेमेंट कराते। एटा एक आइए दुर्भाग्य है कि यहाँ अगर मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाती है तो उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो क्राइम तो अपने आप कम दिखाएंगे आप। बैंक डकैती हुई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। यहाँ बड़े बड़े शहर में डकैतियाँ नहीं खुली। बालाजी गारमेंट वाले पलायन कर रहे हैं, इससे पहले पकड़ हुई। तरह समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके राज में समाजवाद आया, वही जनता में ज्यादातर लोगों का कहना है कि समाजवाद तो नहीं लेकिन पलायनवाद जरूर आया है। क्या है सही, ये जनता को ही तय करना है, वो जो आने वाले चुनावों में अपनी मोहर लगाएगी। फिलहाल किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, हमारे ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन प्रशांत सुंदर के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, एटा।